मेहनत करनी है जितनी भी हो सके आपसे जी, और खुदा की बादशाहत जो आने वाली है इसका जिक्र करना नहीं बोलना कि ये वक्त करना नहीं बोलना अच्छा। कि ये मजहब की दुनिया नहीं है, अब ये मंजिल की दुनिया है। दीन रास्ता है, मंजिल खुदा की जात है। दो बातें हैं। और तीसरे ये जान लें कि खुदा की जात कभी किसी को मजबूर या इतना वजन नहीं डालती कि वो उठा ना सके। तो अपनी सकत के मुताबिक, अब जैसे जमाते अहमदी है वो 10% मांगते हैं और मैंने इसका इनकार कर दिया। मैंने कहा नहीं, जो मोहब्बत में तोहफा देगा डोनेशन वो ही कबूल किया जाएगा, क्योंकि उसमें उस इंसान की रूह को नूर मिलेगा। अगर ज़बरदस्ती करेंगे कुछ तो वो दे तो देगा लेकिन अंदर से उसकी नेकी जो है उसमें वजन नहीं रहेगा। और हम यहाँ नेकियाँ कराने नहीं आए, हम खुदा से मिलाने हैं। तो जो ये तीसरी बात है कि अपने दिलो जान से कोशिश करते रहना है कि एक और शख्स जो है, एक और, बस एक और इस तालीमात को मान जाए। और चौथी बात यह है कि दिलो जान से इस दुनिया में मेरा वफादार रहना है, वफा का अहद है कि ऐ खुदा जब तक मैं जिंदा रहूंगा मैं खुदा के मसीह जमाओं और उसके दिल के साथ चलता रहूंगा। मैं मिशन छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैंने ये गवाही दे दी है। कर लिया, ना खुदा को छोड़ के जाना है ना खुदा के दिल को छोड़ के जाना है। अगर आपने ये निभा दिया तो जिस संगम पे हम मिलेंगे वहां खुदा का दीदार भी होगा और सारी मुसीबतें पीछे रह जाएंगी। और खुदा आपको बस सब्र के साथ आखिरी लम्हों तक मेरे साथ चलना जरूर है, ये एक सबसे बड़ी बात है। ठीक है, अगर एक आ गया तो फिर एक से एक और चिराग जल जाएगा। क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि ताइवान में कितनी आजादी है मजहब की, ये तो आप ही बता सकते हैं। ताइवान में तो बहुत आजादी है, ताइवान के अंदर रहने वाले मुसलमान बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे पाकिस्तान का दीगर इस्लामी ममालिक। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वही हालत है इनके, वही गंद है, वही मुसीबत है। जी जी जी, यहाँ भी जी जी जी, यहाँ भी जर्मन ऐसी जगह पे रहना पसंद नहीं करते जहाँ पे ये अरबी या पाकिस्तानी। और आप यकीन करिए जहां भी ये इकट्ठे होके रहते हैं उसको जहन्नम बना देते हैं जगह, वो गंध ऐसा है। हत्ता के इंग्लैंड में कई दफा मैं गया बोलने के लिए, इन्होंने ऐसे अपने जोन बना दिए हैं कि वो पाकिस्तान लगते हैं। जी ऐसा ही है। अब इन कौमों ने तो वो छोड़कर चला गया वो इलाका। जी 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 बिल्कुल ठीक कहते हैं। तो अब ये है कि मैं पार्लियामेंट में जब बोलता हूँ मैं इनको समझाता हूँ, अगर इस्लाम हर मजहब को इजाजत है लेकिन जो मजहब इंसानियत के हकूक छीन ले, औरत के हकूक छीन ले, इंसानियत के हकूक छीन ले, दहशत की अलामत बना रहे, उसको आजादी नहीं होनी चाहिए। तो वो जो मैं कैंपेन चलाई थी मैंने 7 साल कि इस्लाम का यूरोप से कोई ताल्लुक नहीं है, तो उसमें फिर कई हजारों लोग, 21,000, 20,000, 10,000, 5,000, 3,000 लोग चलते रहे। लेकिन दुआ यह है कि काश खुदा की मार्फत के लिए भी इतने लोग आए। तो इसलिए मेरे फिर मुखालिफ हो गए बहुत ज्यादा जी। तो जिस जब भी इस्लाम यहां आ गया, क्योंकि फरिश्तों ने मुझसे कहा कि मैं पूरे जर्मनी में बोलूं, क्योंकि इस्लाम आ गया तो ये यूरोप 1,000 साल अंधेरों में चला जाएगा।
ये फरिश्तों ने कहा। तो फिर मुझे बोलना पड़ा, हत्ता कि मैं, मेरा दिल जो है वो सुबह शाम खुदा के मुतालिक बताने पे है, लेकिन फिर ये मुसीबत भी लेनी पड़ी ये मिशन। तो अब वो जो है पार्लियामेंट में मुझे बुलाते हैं और मैं उनको कहता हूँ गलत फैसला नहीं करता, गलत इस्लाम को यहाँ का हिस्सा नहीं बनने देना, वरना ये इंतहा इतने इंतहा पसंद होंगे कि तुम्हें मजबूर कर देंगे इस्लाम लाने में। हकीकत में ये है कि मेरा इससे ताल्लुक तो कोई नहीं था, लेकिन फरिश्तों ने जब कहा मजबूरन, तो ये मिशन भी लेना पड़ गया। फिर वो एक किताब जो आई, जिसमें वो किताब का नाम था मोहम्मद का जुर्म, वो भी पढ़ लेना आप, मैं भेज दूंगा बाद में, पहले खुदा की किताबें पढ़े। तो वो फिर बड़ी मुखालफत हुई, वो तो फिर है। अब वो दूसरी किताब लिखी है पेनफुल ट्रूथ अबाउट जीसस, तो अब उससे भी मुखालफत ईसाइत की है, लेकिन मजाज है मुझे कोई बदतमीजी से बात कर जाए, बल्कि जब मैं पहुंचता हूं तो वो पहले कह देते हैं कि मिस्टर खान जो है हमारे डायलॉग है, लेकिन कोई बदतमीजी नहीं करते, और ना ही यहाँ के लोग भी तालीम याफ्ता है। अगर नहीं मानते तो अपना ख्याल ओपिनियन दे के चले जाते हैं, यहां तक की तो इजाजत खुदा ने भी दी है, लेकिन इंतहा पसंद दी, कत्लो गारत, जंगली कुत्ते हैं ये। हाँ जी, ये जंगली कुत्ते हैं, बिल्कुल इससे भी ज्यादा। हर बदबूदार है, जी जी जी, इसके इस बदबूदार इस्लाम के परवरदार, हाँ, जंगली कुत्ते हैं ये लोग, जी 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 जी, छोड़ दिए गए बेमहार, जी 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 जी, इतना लगावे हैं ना, इनके गलों में पट्टे हैं ना, इनके मुंह पे कुछ हटा बांधा जी है, ये बदबूदार इस्लाम के छोड़े हुए जंगली कुत्ते हैं, जो अमली तौर पे दुनिया को करके दिखा रहे हैं कि वाकई हम बदबूदार इस्लाम के जंगली कुत्ते हैं, ऐसे है। तो बिल्कुल, अब देखे ना, मोहम्मद ने अपने वक्त में मोहम्मद बिन मुसैलमा और इनका ग्रोथ तैयार किया, वो हर शख्स को जाके कत्ल करते थे जो मुखालफत करता था, जी जी, काब बिन अशरफ, जब नबी खुद, हाँ, काब बिन अशरफ और दूसरे और हैं, हाँ जी, जब इसने ऐसा काम किया तो वो बुनियाद पड़ गई गलत काम की। अब तालिबान जो, हाँ जी, तालिबान जो है या ये आईएस इस्लामिक स्टेट, वो कुरान खोल के दिखाते हैं कि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, जो मोहम्मद ने किया वही हम कर रहे। तो नबी अगर ऐसा काम कर जाए गलत, तो फिर खैर नहीं होती, ठीक है। तो मोहम्मद से मुलाकात हुई तो खुदा ने माफ भी कर दिया, लेकिन उस नूर में अंधेरा भी है, तो उस अंधेरे से पता लग, है नहीं, हाँ, आपने बयान फरमाया था कि मैंने मुशाहिदा किया उसमें धुआं है, धुआं है, तो वो धुआं बताता है रूह का असल हाल, कि ये रूह ऐसी है। तो बहुत सी वो किताब वो खुद ही पढ़ लेंगे आप, लेकिन ऐसे ऐसे काम किए। अब कुरान में ये कह देना कि अल्लाह ताला ने मुझे बताया है कि ये यहूदी और नसारी कभी तुम्हारे दोस्त नहीं होंगे, अगर खुदा ने ये बताया तो फिर तो अमन कायम ही नहीं हो सकता दुनिया पे, जी अमन कायम नहीं होगा, कब कायम होगा, जब खुदा ने कह दिया तुम्हारे दुश्मन रहेंगे। अब खुदा ने मुझसे कहा, मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की थी, जिब्राइल भी इनकार किया, तो अपनी हिकमत के तौर पे अपनी तरफ से कुरान में ऐसी बातें जिसका खुदा से ताल्लुक नहीं। अब वो ये कहते हैं जो तालिबान है, जो ये इंतहा पसंद है, ये खुदा का कलाम है। तो जब ये 30 साल जब ये वफात का वक्त है, तो यही तो वो बात थी जो आप पढ़ेंगे कि 30 साल देना चाहे थे मोहम्मद को कि वो अपनी गलतियों को ठीक करे, जो कुरान में लिखा है, बस नहीं, जब नहीं करनी चाह, अली ने कहा कि लिखो मैं लिखता हूं, उमर ने कहा कि अब इतबार नहीं मोहम्मद पे, इसका तवाजन बिगड़ गया है, क्योंकि वो ऐसी बात कह रहे थे जो कुरान के खिलाफ जाती है।
तो ये बहुत सी बातें, वो मैंने किताब तो लिख दी क्योंकि जिब्राइल ने कहा ये लिख, क्योंकि ये मैंने तो ऐसी बातें की नहीं थी इससे। फिर इसको इस्तेमाल किया गया सिर्फ तौहीद 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 बारी ताला के लिए। तो वो काम फिर तलवार से या जैसे भी हुआ वो काम हो गया, बाकी फिर बाद में इस्लाम जो है, आप देखें ना ये कैसा इस्लाम है कि मोहम्मद कहते हैं ये मेरे 10 असाब 10 सितारे हैं जन्नतों के, तुम इनमें से जिस है जी इनमें से हाँ जी तुम इसकी पैरवी करोगे जिसकी भी तुम्हें जन्नतों में पहुंचा देंगे। उन सितारों में अली भी थे, आयशा भी थी। अब इन सितारों ने आपस में लड़ लड़ के अपने 10,000 असाब तो खुद ही मार दिए। तो ऐसे सितारों की पैरवी करने से कि जो खुद खून में नहा गए, आयशा और अली की जंग के अंदर तला भी मारे गए, अब्दुल्ला बिन जुबैर वो जुबैर भी मारे गए, तो ये इन सितारों की यूं अगर हम पैरवी करें तो ये तो जन्नत में नहीं दोजख में लेके जा रहे। उस्मान का कत्ल, अली और माविया की जंगें, दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। तो मैं इस्लाम को हटाकर अक्सर वक्त जो है वो खुदा की तरफ देता हूं, क्योंकि जब हम खुदा को जान जाएंगे तो फिर सारे राज़े इलाही खुल जाएंगे आपके सामने। अब मेरी मुलाकातें हजारों हो गई हैं, जो जो कुछ जिब्राइल ने मुझे बताया, आवाज आ रही है आपको? जी सुन रहा हूं। तो देख ले अगली दफा रख लेते हैं। नहीं, एक मच्छर आ गया था। अच्छा, यहाँ के मच्छर बड़े खतरनाक है। अच्छा अच्छा मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी मेरी आपकी आवाज आ रही है। आपने जो फरमाया कि वफादारी बशर्ते उस्तवारी असल ईमान है, जी 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 ये बात हो गई। अब इसके बाद मजीद क्या हिदायत है? चार बातें मैंने आपसे बयान कर दी है, वो मैं बैतनामा वो मैं व्हाट्सएप पे आपको भेज दूंगा, तो आप या अगली दफा या वैसे ही मुझे कह देंगे कि मैंने पढ़ के ये ऐड कर लिया है। मैंने पढ़ लिया और मैंने खुदा के सामने ऐड किया है। एक तो ये है कि आप मेरी तालीमात जो खुदा ने दी है वो फैलाएंगे जितनी भी हो सके अपनी कोशिश के मुताबिक, और खुदा ने मेरे मानने वालों को जैदीनी कहा है जो खुदा की दुनिया लेके आएंगे, और दूसरे दिलो जान से आखिरी वक्त तक आप वफा रखेंगे मुझसे, वापस नहीं जाएंगे पुरानी दुनिया में, और तीसरे आपकी जिंदगी और मौत खुदा की मंशा से वाबस्ता होगी, और चौथे ये कि खुदा अपनी इनायत करेगा आप पर कि जब आप पे वफात का वक्त आएगा तो वसीयत कर देना कि ये जो एक किताब होगी ये मेरी छाती पे रखते हैं। बस ये चार चीजें हैं जो हमने करनी दिलो जान से। तो पहले तो मैं सोच रहा था कि आप $100 भेज रहे हैं, पता नहीं कितनी परेशानी के आलम में आप भेज रहे हैं या आपके हालात कैसे हैं, क्योंकि मुझे बड़ा ख्याल आ जाता है। तो बहरहाल जो कुछ आप दिलो जान से दे रहे हैं ये मोहब्बत की वजह से दे रहे हैं आप, खुदा के कामों की वजह से, तो खुदा इसको कबूल करेगा। ठीक है, वो चार चीजें मैंने ऐप तो ले ली आपसे आप। जी आमीन। बस आमीन। वो आपकी इत्तला के लिए 220 यूरो हैं। अच्छा अच्छा, क्योंकि उसने कहा कि बैंक वाली ने कहा कि जब ये पैसे वहां पहुंचेंगे तो वहां इसमें भी कुछ कटौती हो जाएगी,
तो मैंने कहा कितनी कटौती हो जाएगी, तो कहा कि शायद 7, 8, 9 या 10 यूरो कट जाएंगे। तो मैंने कहा फिर उन्हें 200 तो पूरे नहीं मिले, तो मैंने कहा फिर $20 में ऊपर से बढ़ा देता हूँ। अच्छा। तो $220 ये अगर कट कटा के भी कम से कम $200 तो मेरी तरफ से मिले काम को। जी जी जी। और इंशाल्लाह जब भी जैसे अल्लाह मुझे वसत देगा तो इंशाल्लाह पूरे दिलो जान से करूंगा खिदमत। जी जी। दिल बहुत बड़ा है, अल्लाह बस वसत नसीब फरमाए तो इंशाल्लाह मैं जरूर करूंगा। ये मेरी दुकान है जिसमें मैं भी बैठा हुआ हूँ। जी जी माशाल्लाह। ये खाने पीने का, अच्छा किरयानी की दुकान है। अच्छा किरयाना, जहाँ चीज है आप। अच्छा अच्छा। पिछली लाइटें मैंने बंद कर दी हैं, अगली लाइट पूरी रखी हुई है। अच्छा अभी और जगह और है। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ मैं आपकी किताबें पढ़ता रहता हूँ। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। दुकान है किरयानी की। जी जी। और बस इसी में मेरा सब पाकिस्तान का, ताइवान का, दुकान भी किराए की है, इसके पीछे मकान भी किराए। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस अल्लाह दे, बाकी दिल अल्लाह ने बहुत बड़ा बनाया है। माशाल्लाह। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि या अल्लाह ऐसी वसत अता फरमा जिसके जरिए से बहुत सारे कार्य खैर कर करके मैं भी इंशाल्लाह कामयाब होके जाने वाला बन जाऊंगा। रास्ते खोलेगा आप बस खुदा के कामों में जुट जाए और कोशिश करें कि ये चाइना की तरफ एक या दो साहबी आए थे फिर वो वापस नहीं गए, उनकी वजह से ये देख लें। या एक पाउल था वो आया था यूरोप में और सारी जिंदगी उसने यहीं दे दी, तो ईसाइत उसकी वजह से फैली, ईसा की वजह से नहीं फैली। नहीं फैली। ठीक है, तो आप यूँ समझ लें कि आप अम्बेसिडर हैं ताइवान में खुदा के। आप अम्बेसिडर हैं और नुमाइंदगी कर रहे हैं खुदा के मसीह उज़्ज़मा की। आमीन। और मसीह उज़्ज़मा मैं ये भी बता दूं, खुदा ने मुझे कहा मसीह उज़्ज़मा के तू इस जमीन का मसीह नहीं है, बल्कि जितने जितने जहान हैं उनका सबका मैंने मसीह उज़्ज़मा बना दिया। मर के भी जब तू जन्नतों में होगा तो अगले जहानों में मेरा पैगाम पहुंचाएगा। तो ये है मसीह उज़्ज़मा, ये कोई जमीनी मसीह नहीं है। जैसे आदम था या ईसा इब्ने ज़करिया था, वो मसीह नहीं हूं। गुलाम अहमद कादियान जो है उसको खुदा ने माफ तो कर दिया लेकिन उसने सारी खुदा की बातें दबा किया और मुड़ के इस जी हिम्मत नहीं पड़ी। हाँ जी जी, वो तो खुद कहते हैं कि अगर मुसलमानों की हुकूमत होती इंडिया में, अंग्रेज ना होते, तो इन्होंने मेरा वो हशर करना था जो ईसा इब्ने मरियम का भी नहीं किया क्रॉस पे। तो बात तो सही की, बात सही थी। बड़ी मुसीबतों से उसने दिन गुजारे, लेकिन हकीकत यह है कि कई दफा बुलाया जमात अहमदिया ने लेकिन इनमें भी मुसलमानियत जो है वो वापस आ गई है। जैसे तो वो हुआ ये कि वो इश्के मोहम्मदी में गिरफ्तार हुआ गुलाम अहमद कादियान और ईसा का कट्टा चट्टा बता दिया सारा जी, और मोहम्मद का कुछ नहीं बताया। फिर खुदा ने उसको इल्हाम कहा कि इंडिया को छोड़ दे, मैं तुझे और तालीमात दूंगा, तो वहां फिर ये इंग्लैंड में नहीं गया। तो वो मैंने लेक्चर तो है वो मैं आप सुन लेना उसका, उसमें फिर जमात अहमदी भी बड़ी मुझसे खार खाती है। जी जी। बहरहाल हक तो बताना पड़ेगा। हक तो बताना। तो आप हिम्मत और जुर्रत से काम लिया आपने। हाँ जी जी जी। आपने बड़ी हिम्मत और बड़ी जुर्रत से काम लेकर तमाम तरह हकायक को बिल्कुल बतला दिया। हाँ। आपकी बातों को सुनकर कई कई जगह पर मैं चौंक चौंक जाता रहा, हिल गया कि आपने क्या कुछ कह दिया, क्या कुछ बयान कर दिया। इसके लिए तो बहुत बड़ा हौसला चाहिए, बड़ी हिम्मत चाहिए, जान हथेली पर रख कर करने वाला काम किया। अल्लाह आपको हौसला दे, हिम्मत दे, और मुझे आपके उम्मती की हैसियत से अल्लाह हिम्मत हौसला इस्तेकामत और नेक तौफीक अता फरमाए और मुझे इस काम को सही मानों में करने वाला और इस काम को करते करते मर जाने वाला कर दे। मेरे हक में दुआ फरमाए। खुदा करे और आपको मैंने दुआ करके
तैवान, क्या आपको मैंने तैवान का नुमाइंदा बना दिया है। जितने लोग आएंगे और या समझेंगे या फैलेंगे या 10 या 20, उनसे जो कुछ फैलेगा वो आपकी मेहनत से फैलेगा। मैंने दुआ कर दी और वहाँ जंगल में दुआ की है जहाँ खुदा का सफर शुरू होता है मेरा दीदार। हाँ जी, वहाँ मैंने आपके लिए दुआ की कि खुदा आपको सब्र और इस्तकामत दे, ठहरने वाला बनाए। तो बातें मैं इसलिए खोल के कर रहा हूँ, मुझे इंसानियत पे रहम आता है। इनके दुख मुझे रुलाते हैं। फिर दूसरा ख्याल ये आता है अगर खुदा की मोहब्बत में मैंने बातें ना खोली तो इंसानियत फिर भटकेगी, फिर ठोकर खाएगी। तो वो सारा बोझ, वो जो कुछ होना मुझ पे ही हो जाए, लेकिन मैं ये मदद कर जाऊं इंसानियत की ताकि बाद में रुलते ना फिरे। और खुदा ने बताया है कि जो दूसरी तीसरी नस्लें होंगी इंसानियत की, वो तुझसे मोहब्बत करेंगी इस वजह से कि तूने खुदा की मोहब्बत में उनको ठोकर लगने से बचा दिया। ठीक है, आप शायद अब कहीं मत। हाँ, पर वो भी आया, वो मुझे बता रहे थे। तो हर कोई 4 हफ्ते के बाद जी, या ऐसे रख लिया करेंगे कोई जी। अच्छा, तो जब आप हुक्म फरमाएंगे जी, मैं इंशाल्लाह ऑनलाइन हो जाया करूंगा। ठीक है, तो एक और पूछना था कि एक हमारा छोटा सा ग्रुप है, वैसे तो ग्रुप काफी है जिनमें फिर मुझे, लेकिन एक ग्रुप में इंग्लिश के बजाय इंग्लिश भी और उर्दू भी बोलता हूँ, अगर आप उसमें शामिल होना चाहते हैं तो देख लें। कहीं रात को वो होता है जर्मनी के टाइम के मुताबिक 8 बजे, तो वहाँ पर देर हो जाएगी। तो फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ दूसरा ग्रुप बनाने की जिसमें दुकान के बंद होने के बावजूद 3-4 लोग आ जाए मानने वाले, तो इकट्ठे ही सवाल कर लिया करें। जी अच्छा, बहुत बेहतर। ठीक है, लेकिन वो मानने वाले हैं, वो मुखालिफ नहीं है जी। अच्छा, उनमें से पाकिस्तानी फैमिली भी है जी, और एक हाँ जी अमेरिका से भी है, आगे पीछे से भी। तो कोशिश करते हैं, अगर वो नहीं तो फिर आपसे 4 हफ्ते के बाद थोड़ा बहुत वक्त आपको निकाल के, ताकि आपकी तरबियत होती रहे जी, बहुत और आप खुदा की मोहब्बत को आगे बढ़ा दें। अच्छा जी, तो और कोई सवाल होता होगा वक्त के साथ साथ में ये करते रहे व्हाट्सएप पे इंशाल्लाह। तो खुदा की इनायत हो हमेशा, हम कहते हैं खुदा की सलामती हो, खुदा की सलामती हो, खुदा की सलामती चाहिए बस अब बेशक खुदा की।